उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में आज फिर किसान महापंचायत हुई। तो इस बार हिंद मजदूर किसान समिति ने किसान महापंचायत बुलाई। तो किसान महापंचायत में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया भुगतान समेत अन्य मुद्दे उठाए गए। तो 20 दिनों में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आज फिर जो है किसान महापंचायत हो रही है। तो इस बार हिंद मजदूर किसान समिति ने किसान महापंचायत बुलाई है। तो गठवाला खाप के बाबा चौधरी राजेंद्र सिंह ने महापंचायत को समर्थन दिया है। तो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो इस महापंचायत पर भी सभी की निगाहें लगी हैं। तो किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर जो है बुलाई गई महापंचायत में मुख्य प्रवक्ता जो है परमधाम न्याय के क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन महाराज और गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक मंच पर पहुँचे हैं। तो पंचायत में मुजफ्फरपुर जो है नगर के अलावा मेरठ, बिजनौर, श्यामली, सहारनपुर के किसान मजदूर जो है ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुँचे। तो किसानों के ट्रैक्टरों की व्यवस्था भी जीआईसी के मैदान में ही की गई है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भाकियों के तत्वाधान में जो है 20 दिन पहले 5 सितंबर को जीआईसी के मैदान में किसान महापंचायत की आयोजन किया गया था, जिसमें भाकियों अध्यक्ष नरेश टिकैत, प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत जो है संयुक्त मोर्चा के जो है नेता शामिल हुए थे। तो इस महापंचायत के एक सप्ताह बाद ही हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह और गठवाला खाप के बाबा चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक ने जीआईसी के मैदान में ही 26 सितंबर को किसान महापंचायत करने का ऐलान किया था। तो उनका कहना था कि 5 सितंबर की जो है किसान महापंचायत में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया भुगतान समेत अन्य मुद्दे नहीं उठाए गए, इसलिए किसान महापंचायत का आयोजन कर किसानों की समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। तो समिति के पदाधिकारी और गठवाला खाप के बाबा चौधरी राजेंद्र सिंह रविवार को होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी में लगे हुए थे। तो रविवार सुबह से ही किसानों और मजदूरों का महापंचायत में पहुँचना शुरू हो गया था। वहीं दोपहर तक जीआईसी ग्राउंड में भीड़ भी बढ़ गई है और बड़ी संख्या में किसान मजदूर महापंचायत में पहुंचे हैं। तो साथ ही यह भी बताया है कि किसान आंदोलन का राजनीति से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों, समिति के प्रवक्ता अमित जो है मोलाहेड़ी ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत की जा रही है और इसका राजनीति से कोई भी मतलब नहीं है। तो मुजफ्फरनगर और शामली के साथ ही बिजनौर व मेरठ से भारी संख्या में किसान महापंचायत में आएंगे और किसानों के जो है मुद्दों पर चर्चा हुई। तो मांग उठाई गई और महापंचायत में हिंद मजदूर किसान समिति के आधार और आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक, किसान जो है मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह और त्यागी समाज के अध्यक्ष किसान नेता संजीव त्यागी आदि किसानों को संबोधित किए। तो दोस्तों, इनकी जो है प्रमुख मांगे ये रही। तो जो पहला मांग है, तो किसानों की खुशहाली के लिए गन्ने का रेट बढ़ाया जाना चाहिए और समय पर जो है भुगतान की सुविधा होनी चाहिए। और दूसरी मांग है, मजदूरों व किसानों के लिए बिजली के रेट आधे हो। और तीसरी मांग है, आज उत्तर प्रदेश का किसान आवारा पशुओं की समस्या से त्रस्त है। तो आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से फसल बर्बाद हो रही है, अतः इस समस्या का स्थायी समाधान हो। साथ ही चौथी मांग है, किसान अपने जीवन में केवल एक ही बार ही जो है ट्रैक्टर ले पाता है, अतः किसान के ट्रैक्टर पर प्रतिबंध न लगे, चाहे वो 50 साल पुराना ही क्यों न हो। और पांचवा मांग है, किसान की फसल न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य से कम पर न खरीदी जाए। छठी मांग है, हाईकोर्ट की एक बेंच में मेरठ में लाई जाए, जिससे जो है कि किसानों को हाईकोर्ट से न्याय मिलने में आसानी हो। सातवीं मांग है कि देश में केवल विद्यार्थी के लिए पढ़ाई दवाई एक समान व साधन सहित फ्री कराई जाए। और आठवीं मांग है, जो कि मजदूर को काम और जो है काम का उचित समय पर दाम का जो है अधिकार हो। नौवीं मांग है कि मजदूर वृद्ध को वृद्धा पेंशन दोगुनी मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए।